आज हमने चटनी बनाई है स्ट्रॉबेरी की, बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी है। किस तरह बनाई है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक देखना है आपने, स्किप नहीं करना वीडियो को, ताकि मुझे वॉच टाइम जो है वो पूरा मिले। इसके अलावा मुझे फीडबैक में आपने बताना है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुरम होंगे। स्ट्रॉबेरीज़ का एक मौसम आता है, जैसे जो चीज़ थोड़ी सी देर के लिए होती है उनमें स्ट्रॉबेरी भी है, यानी कि थोड़े से अरसे के लिए आती है स्ट्रॉबेरी, बाज़ार में बहुत ज़्यादा फिर नज़र आना शुरू हो जाती है और बहुत सस्ती हो जाती है। तो उस वक्त जो है वो स्ट्रॉबेरी से बहुत सारी चीज़ें बना कर रख लेनी चाहिए। मैं आपको इंशाल्लाह स्ट्रॉबेरी को महफूज करने का तरीका भी बताऊँगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी इस तरह तो महफूज नहीं रह सकती है, तो वो इतनी नाजुक होती है कि ज़रा सा इसको पानी लग जाए तो अगले दिन इसको फंगस लगी होती है। तो आज मैं इसकी चटनी बना रही हूँ, मीठी चटनी, तो इसको आप जैम भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मेरे पास साफ शुदा आधा किलो है, ठीक है, 500 ग्राम है मेरे पास साफ हुई हुई, इसका वज़न इस वक्त जो है वो 500 ग्राम है। तो इसको मैंने, इसके जो ग्रीन वाले पत्ते होते हैं वो मैंने काट कर अलहदा कर दिए, अच्छी तरह धो लिया, और उसके बाद इसको बीच में से ऐसे मैंने इसको दो दो पीस कर लिए। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैं स्ट्रॉबेरीज डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये मैंने डाल दी है, और इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा गिलास पानी, ठीक है। आधा गिलास पानी डालने के बाद एक चुटकी नमक डालूंगी मैं इसमें, और इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ढक के इसको मैंने पकाना है, फिर मैं आधे घंटे बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तकरीबन आधा पौना घंटा पकाने के बाद स्ट्रॉबेरी जो है वो पानी भी खुश्क हो गया और स्ट्रॉबेरी अच्छी तरीके से गल गई है। तो मैं इसको इस तरीके से इसको जो है मैश कर लूँगी। आप किसी भी चीज़ से मैश कर लें, चाहे तो ब्लेंडर में डालकर भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। देखें काफ़ी अच्छी हो गई है, बेशक बिल्कुल मुलायम ना करें, थोड़े से टुकड़े अच्छे लगते हैं, तो लेकिन इसको आपने इस तरह कर लेना है। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच चीनी, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच सिरका। सिरके से चटनी महफूज भी हो जाती है और जायका भी अच्छा हो जाता है। फ्लेम को हम दोबारा ऑन कर लेंगे और इसको हमने पकाना शुरू कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। चीनी पानी छोड़ेगी, मिलते हैं तकरीबन 5 मिनट बाद। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, और चम्मच के साथ मैं इसको मैश भी करती रही हूँ। अभी हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाना है, और मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस वक्त हम उतारेंगे। देख सकते हैं आप, अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे हम। अब देखें इसके पकने की निशानी ये है कि ये देखें कैसे इसमें से बुलबुले आ रहे हैं, ये पटाखे छोड़ रहा है, ठीक है जी। और काफ़ी गाढ़ी हो गई है ये चटनी हमारी। तो अब यहाँ पर जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तैयार हो गई है हमारी स्ट्रॉबेरी की चटनी, या इसको जैम कह लें, जो भी आप कह लें, कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही खट्टी है। अब इसमें जो चीनी और सिरका जो हमने शामिल किया है, ये इसको महफूज रखेगा हफ्ता 2 हफ्ते तक, 10 से 15 दिन तक महफूज रखेगा। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा क्वान्टिटी बनानी है तो फिर आपको इसमें बेंजोएट पाउडर है वो हाफ़ चम्मच, एक हाफ चाय का चम्मच जो है वो आपने 1 किलो स्ट्रॉबेरी की चटनी में डालना है, तो आप उसको 6 से 7 महीने तक महफूज कर सकते हैं, ठीक है। बेंजोएट पाउडर डालना है आपने 1 किलो चेरी स्ट्रॉबेरी पर, सॉरी मुझे चेरी याद आ रही है, 1 किलो चेरी की अगर आप चटनी बनाएंगी तो उसमें आधा चाय का चम्मच बेंजोएट पाउडर डालेंगी तो आपकी चटनी 6 से 7 महीने तक महफूज रहेगी। लेकिन ये जो चटनी मैंने बनाई है, मैंने थोड़ी सी बनाई है, ये 10 से 15 दिन तक महफूज रहेगी सिरका और चीनी डालने से। चीनी तो खैर डलेगी,
लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाएंगी तो आपको बेंजोइट पाउडर डालना पड़ेगा। तो क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, 1 किलो स्ट्रॉबेरी पर आधा चम्मच चाय का बेंजोइट पाउडर डालेंगी आप, और ये उस वक्त डालेंगी जिस वक्त आप इसमें चीनी और सिरका शामिल करेंगी। सिरका तब भी शामिल होगा, ठीक है, 4 चम्मच आपने सिरका तब भी शामिल करना है उसमें, और बेंजोइट पाउडर भी शामिल करना है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिले, और मुझे फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि ये चटनी आपको, स्ट्रॉबेरी की चटनी जो है वो आपको कैसी लगी है। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा वीडियो को एंड तक देखा करें और लाइक ज़रूर करा करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।